हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अमन एको चौक पर जिंदगी का दामन छूट गया। इस्लामाबाद में अमरीकी मिलिट्री अताशी की गाड़ी की टक्कर से जां बहक नौजवान अतीक मनो मट्टी तले सो गया। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक, अहले खाना का आर्मी चीफ से इंसाफ का मुतालबा। उसको पकड़ा जाए, उसको सजा दी जाए। मेरा यही मुतालबा है, हुकूमत से यह अपील है, आर्मी चीफ से अपील है। इस्लामाबाद के दामने को चौक पर नौजवान की मौत का मुकदमा अमरीकी मिलिट्री अताशी कर्नल जोसेफ के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। दफ्तर खारजा ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। सिफारती इस्तिस्ना के बायस गिरफ्तार न किया जा सका। वजीर कानून के शहर में जंगल का कानून। फैसलाबाद में बासर अफराद ने नौजवान को अगवा किया, मारा पीटा, वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और पुलिस सोती रही। नौजवान को चार दिन बाद भी बाजियाब ना कराया जा सका। सबका एहतसाब होगा, कौम की एक एक पाई वसूल करेंगे, चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वाजे कर दिया। लाहौर में साफ पानी की फरामी से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद, इखराजात इश्तहारी मुहिम पर खर्च कर दिए गए लेकिन मंसूबा मुकम्मल ही नहीं हुआ। कौम का पैसा वापस कौमी खजाने में जाएगा। अदालती रिमार्क्स। इस आखिरी महीने में अलामती अहमियत तो हो सकती है इन पतंगों के कटने की, लेकिन ये पतंग कट कर भी किसी और के सहन में नहीं गिरेगी, ये आप यकीन रखें। इसका कोई सियासी फायदा किसी और को नहीं होगा। आखिरी मरहले में पतंगे कटने की अलामती अहमियत हो सकती है लेकिन ये पतंगे कट कर किसी और के आंगन में नहीं गिरेंगी, फारूक सत्तार ने वाजे कर दिया। पार्टी में इख्तलाफात के खात्मे के लिए पुरउम्मीद, कारकुनों में तकसीम के तासुर को रद्द कर दिया। धड़ेबंदी के खात्मे के लिए इंतखाबी इत्तेहाद के बजाय सिंडिकेट बनाने की तजवीज। छुट्टी के दिन भी सियासी क्यादत की छुट्टी नहीं। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ आज कमालिया में जलसे से खिताब करेंगे। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का दौरा रावलपिंडी तय, रुकनियत साजी मुहिम का जायजा लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुल्तान में सियासी मसरूफियात, मीनारे पाकिस्तान पर जमात इस्लामी के यूथ कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल। भारत ने सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया। सेक्रेटरी खारजा विजय गोखले ने एलओसी पर कशीदगी का बहाना बना दिया, कहते हैं मौजूदा हालात में कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद में असली पुलिस वाले और जाली मुजाहिरीन आमने सामने। फैजाबाद चौक पर धरनों से निमटने की ड्रिल, पुलिस एहलकारों ने डंडों के साथ वाटर कैनन की बरसात कर दी, आंसू गैस की शेलिंग और पकड़ धकड़ की भी प्रैक्टिस। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर सानिया मॉडल टाउन के मुतासरीन का एहतजाज, चीफ जस्टिस से वाकये का अज खुद नोटिस लेने की अपील। कराची पुलिस नाकाम, जराइम पेशा अफराद बेलगाम, दस्तगीर में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवार खातून से पर्स छीनकर फरार, वाकये की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज को मौसूल। कराची में कत्ल नौजवान नकीबुल्ला के लापता, चार दोस्तों में से तीन घर पहुंच गए, एक अब तक गायब। जिरगा मायदीन ने आज कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। पूरे कराची में पानी कहाँ है, बहुत खुशकिस्मत है जिनके पास आ रहा है। लोगों को परेशानी है पानी की और यहाँ पे पानी बे इंतहा जो है, रोड के ऊपर नालों के अंदर बह रहा है। अब हम ये सब पानी नहीं है अभी पीने के लिए, बड़े परेशान है। घरों में पानी नायाब, सड़कें जेरे आब, कराची यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की फटी पाइपलाइन, शहर के लिए जहमत, रिक्शा ड्राइवर्स के लिए रहमत बन गई, रिक्शे धोने जा पहुंचे, आज न्यूज ने खबर चलाई तो इंतजामिया एक्शन में आई, मरम्मत के बाद पानी का बहाव रोक दिया गया।
दिल्ली में रिमझिम सुबह की बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। स्वाबी पर भी मौसम मेहरबान। गिलगित बल्तिस्तान में आंधी के साथ बूंदे बरस गए। कोयटा, कल्ला, सक्कर और लरकाना डिवीजन में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, पाटा और बालाई पंजाब में भी बारिश की पेशगोई कर दी।